वैसे मीना को इस घर में आए हुए जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए थे। उसने तो अपनी औकात दिखानी थी, सो दिखा दी। लेकिन मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मामानी जान। क्या अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया आपने? मैं आपको बताती हूँ आपने क्या किया। मुझे वैसे पता नहीं था कि आप मेरी इतनी बड़ी दुश्मन हैं। मैंने पूरी जिंदगी आपसे प्यार किया, आपकी इज्जत की, लेकिन इसके बदले में आपने मुझे क्या दिया? आपने हसन को बोला मुझे तलाक दे दे। किसने कह दिया तुमसे? किसी ने कहा नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है वो सारी बातें जो मंसूर कर रहा था। इसे तौबा है कि तौबा तो मुझे करनी चाहिए तुम्हारे इस रवैये पर। अरे तुम जानती हो ना मेरा भाई तुम्हें कहां से उठाकर ब्याह कर लाया था और उसने तुम्हें लाके कहां पहुंचा दिया। लेकिन उसी भाई की बहन की सगी औलाद के साथ तुम ये करोगी? तुम जैसा एहसान फरामोश मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वैसे अम्मी मुझे इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो जो मीना बाहर की है इतना प्यार उससे, और जो मैं अपनी हूँ इतनी नफरत मानी जा। अरे किरण, हमने तो सारी जिंदगी अपनी आस्तीनों में सांप ही पाले हैं। चले गए हैं वो घर से, खुश हो जाइए अब। हम क्यों खुश हो जाएं? अपनी करतूतों की वजह से भाग गए हैं वो इस घर से। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार, मेरी सेहत खराब करने वाले, अभी भी इनको ना उनकी परवाह है, बस मेरी नहीं है। फजीला इसका भी दिल जला हुआ है तो ये तो बोलेगी ना। अब जा चुके हैं वो घर से आपा, माफ कर दे उन्हें। चलो कर ले जाके शौक पूरा घर दामाद बनने का। हल्ला ना करे आपा कि मेरा बेटा किसी की भी चमचागिरी करे, वो ऐसा नहीं है। उसके बाप ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। तो क्या हुआ जो आप उसे घर से निकालने में कामयाब हो गई हैं? अभी उसकी माँ जिंदा है और मैं उसे वापस भी ला सकती हूँ। मेरा भाई ये घर मेरे नाम करके गया था, लेकिन तुमने और उस मंसूर ने मिलकर छीन लिया मुझसे ये घर। छीना नहीं था आपा, वापस लिया था, क्योंकि बाप की जायदाद के हकदार उसके बेटे होते हैं, बहन नहीं। अरे अरे निका, कैसा दमखम दिखा कर गई है। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया अभी तक। लेकिन कुछ बल ना जलने के बाद ही निकलेंगे। निकल जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। सबसे पहले फर्नीचर निकालें, कर्टन्स चेंज करेंगे। अच्छा पेंट वाले को बुलाना है, ये कलर्स भी चेंज करवाएंगे। ठीक है, आप बिस्मिल्लाह करें, जल्दी करें। अच्छा ये पेंटिंग्स। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ? ये सामान क्यों निकाल रही हो तुम? आहिस्ता बोलें, क्या हो गया आपको? मेरे बेटे के कमरे की सफाई, और वो भी मुझे बताए बगैर। कुछ भी नहीं हो रहा, आप अपने कमरे में जाकर बैठे, मैं बस ये रूम चेंज करवा रही हूँ। और ये जो सामान है मैं स्टोर रूम में रखवा दूंगी, वापस भिजवा दूंगी मंसूर के घर। किरण तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मंसूर का कमरा है। मंजन प्लीज आप यहाँ से जाएं। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? सुनो, रखो रखो इसे और जाओ यहाँ से, जाओ। किरण तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। कैसे ठीक कर रही हो? ये घर ये कमरा मेरे मंसूर का है और वो वापस भी आ सकता है। अगर उसे वापस ही आना था तो ये घर छोड़कर क्यों गए? किरण मत भूलो कि ये घर मेरे शौहर ने बनवाया था और ये घर मेरे बच्चों का है। आपके शौहर मर चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे अभी जिंदा हैं और मुझसे पूछे बगैर तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। ये मेरे मंसूर का कमरा है और मैं देखती हूँ कि तुम कैसे इसे स्टडी रूम में बदलती हो। वो तो देख लेंगे मामानी जान। किरण हसन की बीवी होने का ये मतलब नहीं कि तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। ये घर मेरा था, है और रहेगा। ये घर हसन का भी उतना ही है जितने आपके लाडले बेटे मंसूर का, और इस बात का मतलब तो आप अच्छी तरह जानती होंगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन याद रखना हसन तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने देगा। वो तो देखी जाएगी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? तुमसे मतलब? जो चाहे करो। मुझसे मतलब है इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या कर रही हैं आप यहाँ? नजर नहीं आ रहा, सूप बना रही हूँ। भूख लगी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। भूख लगी हुई थी तो जब खाना लगा था सबके साथ खाया क्यों नहीं आपने? तुम्हारा मसला क्या है? ये मेरा किचन है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। ये मेरा किचन है
और आप जो चाहें वो नहीं कर सकते। और मेरी बात सुने, जब आप ये काम करते हैं ना तो अपना गन साफ किया करें, मेरी मेट्स बहुत तंग होती हैं आपसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, क्यों झूठ बोल रही हो? मुमानी जान, आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप अपने कमरे में रहा करें, आपको जो चीज चाहिए होगी आपको मिल जाएगी कमरे में। अच्छा, और अगर ना बैठूं तो? आपकी उम्र में ना ऐसी बहकी बहकी बातें अच्छी नहीं लगती, सो जो कह रही हूँ वो सुन लें। किरण, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, ये किस तरह बात कर रही हो? आप ये डिजर्व करती हैं कि आपसे इसी तरह से बात की जाए। जबान संभाल कर बात करो, समझी तुम? अच्छा, नहीं तो क्या करेंगी आप? आप अगर मंसूर का कमरा बंद कर सकती हैं तो मैं किचन बंद कर सकती हूँ। टाइम टाइम की बात होती है ना मुमानी जान। तो क्या मैं भूखी रहूं, कुछ ना करूं मैं? नहीं, सुबह उठाए और कमरे में जाए। 24 घंटे मेरे नौकर आपका काम नहीं कर सकते। जब हसन को पता चला ना तो फिर तुम्हें घर मैं संभालती हूँ मुमानी जान, और ये घर मेरा है। मुमानी जान, आपने कभी मेरी अम्मी को देखा मेरे काम में दखल अंदाजी कर रही हूँ? नहीं ना, तो आप भी अपने कमरे में बैठा करें, आपकी उम्र हो गई है। और हसन को आप क्या बोलेंगी कि मैं आपको आराम नहीं करने देती? देखो किरण, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, इंसल्ट कर रही हो मेरी। सूप उठा ले जाए। लगा क्या? छोड़ दो। हसन, आप आ गए? मम्मी क्या कह रही है? क्या कह रही है मामानी जान? ये अपने लिए सूप बना रही थी, तुमने इन्हें किचन से बाहर कर दिया। अल्लाह, कैसी कैसी बातें करती हैं मामानी जान। हसन, मैं तो बस इनका ख्याल रख रही थी। ऐसे रखते हैं ख्याल जिस तरह तुम रख रही हो? हसन, तुम मुझे खुद बताओ, नौकरों के होते हुए मामानी जान काम खुद क्यों करेंगी? मम्मी, किरण भी तो ठीक कह रही है, छोटी सी बात तो है ये। तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानते हो ना? अल्लाह, खुदा पाक की कसम, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हसन, इनका हाथ देखो, इनका हाथ जल गया। इनकी उम्र है काम करने की, मुझे खुद बता दो। हाथ जल गया? दिखाए मुझे। छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ। मैं किरण यही तो कह रही है कि आप आराम करें। कितना कुछ तो आपने कह दिया मुमानी जान। आप हसन को देख ले, कितना थका हुआ वो घर आया है। कभी मंसूर की माँ के अलावा ना हसन की माँ बन के भी सोच लिया करें आप। मैं अब ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। हसन, तुम फिक्र नहीं करो, वो बिल्कुल ठीक है। तुम अपना चेहरा देखो, कितना उतर गया। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। और जरूरत क्या थी हॉस्पिटल जाने की? ड्राइवर लेकर आ सकता था ना रिपोर्ट्स? रोज जाते हो, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तुम्हें लज़ानिया बहुत पसंद है ना? मैंने बनाया, फ्रेश हो जाओ। जाओ ना, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है।